हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका BR46 ब्लॉग्स में। और ये हमारा देखिए R15 है और इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है। ट्रबल शूट करते हैं इसको, क्या प्रॉब्लम आ रहा है डायग्नोस करने के बाद पता चलेगा कि इसमें क्या दिक्कत आया। वैसे आप देख रहे हैं इसका मीटर पे कोड 39 आ रहा है। जैसा कि मैंने अभी रिसर्च किया तो इसका मतलब होता है कि इंजेक्टर प्रॉब्लम। और गाड़ी को काफ़ी बार सेल्फ लगाया जा चुका है, जिसके कारण क्या हुआ कि एक वायर जो था वो बॉडी में अर्थ हो रहा था। क्योंकि जब मैंने चेक किया, इसको डायग्नोस किया अच्छे से, दिखाता हूँ अभी आपको, तो इसका टैंक के नीचे क्या किया है कि हमारे चूहे महाराज ने वायर को काट दिया। वायर काटने के बाद क्या हुआ कि वायर जो है बॉडी से टच हो रहा था, और काफ़ी बार इसका सेल्फ लगाया गया, जिस कारण क्या हुआ कि इसका जो हमारा इंजेक्टर है वो शॉर्ट कर गया। अभी देख के इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ कौन सा वायर काटा है। टैंक को मैंने पहले से ही ओपन करके रखा था। ये है हमारा फ्यूल वाला। अब ये देखिए, ये इंजेक्टर का वायर आया है ECU की तरफ से और यहाँ जाता है इंजेक्टर के पास। यहाँ है इंजेक्टर और देखिए इसका वायर को कितने बुरी तरीके से चूहे ने काट दिया। तो अब हम इसका रिपेयरिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये ठीक हो जाए। तो अभी देखिए इंजेक्टर का कपलर निकाले हैं हम और क्या हाल करके रखा है इसका, देख रहे हैं। पता नहीं क्या बिगाड़ा था। रात को गाड़ी चल के आई, खड़ा हुआ और सुबह ये कारनामा कर दिया उन्होंने। तो अब देखिए इसको रिपेयर करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। बहुत ही बुरी तरीके से काटा हुआ और देख सकते हैं यहाँ तक काट दिया है, काफ़ी डैमेज है ये। तो आप लोग को भी दिखाते हैं कि कैसे मैं इसको रिपेयर करता हूँ एक अच्छे तरीके से, ताकि दोबारा ये दिक्कत ना आए। क्योंकि FI गाड़ी में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हम टेम्प्रोरी, सिर्फ जैसे कि नॉर्मल बाइक्स में करते हैं कि किसी तरह से वायरिंग जोड़ दिया और गाड़ी चल रही है, तो उसमें अगर टच भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये अगर टच हुआ दोबारा तो हो सकता है इसका ECU उड़ जाए और फिर काफ़ी ज़्यादा का लॉस सहना पड़ सकता है हमको। इसलिए थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल वे में रिपेयर करेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे कि अगर आप लोग की गाड़ी में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने से कैसे रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो डायग्नोस करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है। R15 BS4 version 3 जो है, इसमें तो कोड आपको आ जाता है, लेकिन शायद BS6 गाड़ी जो आई है R15 की, उसमें आपको कोड नहीं आएगा। वो शायद सर्विस सेंटर पर ही ले जाकर डायग्नोस करवाना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोड आ जाता है, तो इससे क्या होता है कि हमें पहचानने में थोड़ी सी आसानी होती है कि गाड़ी में क्या फॉल्ट है। तो इस वजह से अब इसको रिपेयर करते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं कि कैसे रिपेयर करना है इसको। तो फाइनली देखिए अपनी R15 V3 स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर जो कोड 39 आ रहा था वो तो की ऑन करने के बाद नहीं गया, लेकिन जैसे ही गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई तो थोड़ी देर के बाद यहाँ से कोड 39 भी चला गया। तो अभी इसका बैटरी डेड पड़ा हुआ है, तो थोड़ा देर इसको स्टार्ट रहने देते हैं और देखते हैं चला के इसको कि कैसी चलती है गाड़ी। तब तक देखिए टैंक उनका बोल्ट अभी सब खुला हुआ है, सबको फिट कर लेते हैं।